पापा, थोड़ी देर आराम करना। हाँ, मैं देखती हूँ शायद यहाँ चाय वाय मिल जाए। नहीं मंगला, अभी जी नहीं चाह रहा। पी लो बापू, तुम्हारे बुखार के लिए अच्छा है। मैं अभी आती हूँ। और अच्छी तरह कपड़े ओढ़े रखना। हाँ, धापुर का जमींदार है ना, उस चमेली का टाका बेटा उसी के साथ भिड़ा है। मान गए गुरु, मान गए। सब खबर रखते हो। वाह वाह, खबर रखता बेटा। बोलो। यहाँ चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा यही कहीं रहती है छमिया। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो जाने मन। तुम्हें पता नहीं तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया है, वहीं से आ रही हूँ। साली क्या बोली तू? बोल बोल, क्या बोली तू? साली साली, हाथ तोड़ कर दूंगा, मुझे हाथ कर दे, हाथ तोड़ दूंगा साली। क्यों राली, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कमीने, छोड़ कुत्ते। क्यों मैंने साली, अभी बताता हूँ। अरे क्या कर रहा तुम लोग, क्या कर रहे हो? अभी लाता। ये कंबल ले लो। नहीं, ये काफी है। मेरे बापू बहुत बीमार हैं। यही परले गांव ले गई थी इलाज के लिए, आते आते देर हो गई। तुम भी मुसाफिर लगते हो। हाँ, आगे अकालगढ़ है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, हम भी अकालगढ़ के ही रहने वाले हैं। वहां क्या कोई तुम्हारा रहता है? नहीं, कुछ और काम है। हम कल सवेरे निकलेंगे, हमारे साथ चलना, जल्दी पहुंच जाओगे। सर्दी बहुत है, रख लो। जमूरे, कभी कभार तू भी मुंह धो लिया कर। गुलाबू चल ना, आज यही नहा लेते हैं शरबती। गुलाबू, वो आदमी, आदमी कौन आदमी, कहाँ आदमी? यहाँ है देवी जी। शरबती कौन हो? ये डाकू है। घबरा मत गुलाबू, तुम कौन हो? मैं आदमी हूँ। यकीन नहीं आता तो शरबती से पूछ ले। गुलाबो, शरबती ये हमारा नाम भी जानता है, ये जरूर डाकू है। तुम क्या डाकू हो? नहीं तो तुम्हारी माँ बहने नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं है गुलाबो, माँ बहने नहीं है। ये तो नहीं होगी, डाकू की नहीं होती। अच्छा सुनो, अगर अगर तुम डाकू नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ नहाने आए हैं, तुम देखते नहीं?
वही तो देख रहा था। तुमको तुमको शर्म नहीं आती? आती है, मैं बचपन से बड़ा शर्मीला हूँ ना। लगता है तुम्हारी शिकायत यहाँ के राजा साहब से करवानी पड़ेगी। ओ, तो तुम लोग भी उसी राजा साहब की प्रजा हो? हम किसी की प्रजा वर्जा नहीं है। आगे डाकुओं का खतरा है, इसलिए हमने यहाँ डेरा लगा लिया है, वरना हम लोग तो अपनी कंपनी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। तुम्हारी कंपनी? हाँ हाँ, मेरे बाप की रंग बिरंगी नाटक कंपनी। अरे बाबा, हम दोनों देगी थैली के चट्टे बटे निकले। तुम नाटक वाली, मैं सर्कस वाला। क्या तुम सर्कस वाले हो? डाकू नहीं हो? नाटक वाली सर्कस वाला, सर्कस वाला नाटक वाली, नाटक वाली। खैर, हम दोनों का तो एक ही काम है ना, लोगों का दिल बहलाना। वो तो है। और दिल बहलाने के लिए यहाँ तुम्हें दूसरे लोग तो मिलेंगे नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे का दिल बहला लिया करेंगे। क्यों? अरे जाजा, मुंह धो के आओ। अभी अभी धोया है। ओ गुलाबो, डाकू नहीं बापू, एक ही बात है। गुलाबो आई बापू। ओहो, कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ घूम रही है वो? अरे बावली, पता है डाकू का इलाका है, मालूम है? ये देखिए, ये आदमी। अरे आदमी, बाके चल। चलिए बाबूजी। ये आदमी कौन हो सकता है? देख चाहता क्या है, कबाब में हड्डी साला, मगर दूर दूर। आजा बेटी, पीछे आजा। नहीं, मेरे पीछे, मेरे पीछे। क्यों जी? बापू, ये सर्कस वाला है। सर्कस? हाँ, ये करतब दिखाता है। अच्छा, क्यों जी, तुम मेरी बेटी को क्या करतब दिखा रहे थे? मैं तो तुम्हारी बेटी से सिर्फ बात कर रहा था। नहीं, ये हमें छेड़ रहा था। ये मजाल, देखो जी, मेरा नाम है हरि प्रसाद खटपटिया। खटपटिया, रंग बिरंगी नाटक कंपनी का मालिक हूँ। बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, बहुत ही टेढ़ा। अब मेरी बंदूक ला। बाबू जी, ये बंदूक ही है, भरी हुई है। हाँ जी, तनी हुई है। अब ताने रही हो बे, मगर नकली है। पीछे 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 पीछे। देखो बेटी, चने को मुंह मत लगाया करो। पीछे हटती जा, पीछे हटती जा, पीछे हटती जा, पीछे हटती जा। चल भाग के भाग। आजा गुलाबो बेटी, आजा। राजा साहब के पास चल। फिर वही राजा साहब? अरे मैं तो बेचैन हूँ राजा साहब से मिलने। तुझे उन्हीं के पास पहुँचाने आया हूँ बेटे। ठीक है दोस्त, आखिर तुम लोग दोस्त ही निकले। ठीक है, चलो। अरे 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 अरे, चुरौल जी, चाय बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। यार मुच्छड़मल, बगैर मतलब इतनी खींचातानी की तुमने, मैं तो खुद ही आने वाला था। लगता है तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालने का शौक है। अरे कल इतना पीटा, अब और पीटने का शौक है तुम्हें? राजा साहब आ गए। राजा साहब, इसके पास बंदूक भी थी। चंद, यही फौज तैयार की है तुमने जोगी ठाकुर को मारने के लिए? इस अकेले छोकरे ने तुम तीनों के चोकटे बिगाड़ दिए, और इसके चेहरे पर एक निशान तक नहीं है। अरे अगर तुम इस छोकरे से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो जोगी ठाकुर से मुकाबला क्या करोगे? राजा साहब, मैं जोगी ठाकुर के पीछे ही अकालगढ़ आया हूँ। जोगी ठाकुर के पीछे आए हो? या यूं समझ लीजिए कि 50,000 इनाम के पीछे। मगर जोगी ठाकुर की मौत मेरे हाथों लिखी है राजा साहब। मैं तो ये समझ रहा था कि अकालगढ़ वाले फूलों के हार से मेरा स्वागत करेंगे, मगर यहाँ आते ही आपके इन आदमियों ने मेरे साथ जो किया, मजबूरन थोड़ा सा ज्यादा नहीं मारा मैंने। और इन तीन चूहों को मार कर तुम अपने आप को सूरमा समझने लगे हो?
पहले मेरे आदमी तुम्हारी हड्डियां नरम कर दें, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भैरव, चल, बहुत दिनों से तेरा तमाशा नहीं देखा। राजा साहब, मैं आपके साथ में से लड़ने को तैयार हूं, मगर बस इतनी सी देर में सारी सुरमाई निकल गई। ये बात नहीं है राजा साहब, हर लड़ाई के कुछ तरीके कुछ उसूल होते हैं। मैं बस ये जानना चाहता था कि इस लड़ाई के क्या उसूल क्या तरीके होंगे, यानी कि अगर हम दोनों इतने सामने आ जाएं, तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं, और अगर वो झुक गया तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं, और अगर वो फिर भी ना गिरा तो क्या मैं लात मार सकता हूं। और एक बात और है राजा साहब, फिर से ऐसा मारना कहीं फॉल तो नहीं, और पीठ पर कुनी मार दिया तो, और मुंह पर लात मार दी तो कहीं फॉल तो नहीं। बस यही पूछना चाहता था राजा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? छी दारा। पनवारी, इसकी बंदूक इसे वापस कर दो। डाकुओं से मुकाबला हाथों से नहीं बंदूक से किया जाता है। हाथों की तरह बंदूक चलाना भी जानते हो? तुम अकालगढ़ में रह सकते हो, अगर तुमने जोगी ठाकुर को मार दिया तो सरकार से तो 50,000 मिलेंगे ही, हम भी इनाम देंगे। राजा साहब, आप भरोसा रखिए, जब तक मैं अकालगढ़ में हूं, जोगी ठाकुर को कोई और दूसरा नहीं मार सकता।